हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेताज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है ब्रेड रोल्स और ये बहुत ही टेस्टी सुपर ब्रेकफास्ट है। इसे आप घर पर जब भी मन करे बिल्कुल बना सकते हैं और ये बच्चों से लेके बड़े सभी को बहुत पसंद आता है ब्रेड के साथ। और इसमें हम आलू की स्टफिंग करेंगे, तो चलिए ये सुपर टेस्टी ब्रेड रोल बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेताज किचन। प्लीज श्वेताज किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम ये बॉइल्ड पोटैटोस ले लेंगे। ये उबले हुए आलू हैं, ये चार लिए हैं मैंने इस वक्त। और इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो एक मैशर का भी यूज़ कर सकते इस तरह से, या फिर हाथों से भी इसे मैश कर लीजिए। और हमें इसे एकदम स्मूथली मैश करना है, इस तरह से पूरे मैश हो जाने चाहिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और एक उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। लगभग 1 स्पून ऑयल डालकर इसमें जीरा डाल देंगे, 1/2 टीस्पून। और देखिए, ये मैंने अदरक और लहसुन को इस तरह से ग्रेट किया है, आप भी इसी तरह से डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये अदरक और लहसुन है जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, आप क्रश इस तरह से कर सकते हैं इसे। ये देखिए अदरक और ये 4-5 लहसुन है, मैंने 1/2 छोटा अदरक लिया है और 4-5 लहसुन को इस तरह ग्रेट कर लिया। इसी के साथ इसमें मैं ग्रीन चिली भी डाल दूँगी। तो इस समय मैंने ये 2 ग्रीन चिली को इस तरह से कट कर लिया है और तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें मटर यूज़ कर रही हूँ, ये फ्रोज़न मटर है, 1/2 कप के आसपास लिया है मैंने। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपके पास मटर ना हो तो मत डालिए, वरना इस तरह से 1/2 टीस्पून लेके इसमें डाल दीजिएगा, 1/2 कप मटर। और मटर को भी तेल में अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेंड्स, ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं रेड चिली पाउडर डाल दे रही हूँ, ये 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, नमक 1/2 टीस्पून। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून। मिक्स कर ले सभी चीज़ों को और ये जो मटर है इसे हमें थोड़ा देर तेल में इसी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि जो इसमें हल्का कच्चापन है वो निकल जाए। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए। अब इसके बाद इसमें हमने जो आलू उबाल के ये जो मैश करके रखे थे वो सारे आलू डाल देंगे हम। और आलू और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स ये मसाला, आप अपने हिसाब से भी इसमें मसाले में कम ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। आप इसी तरह इसे बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और जो हमने जिंजर और गार्लिक को इसमें क्रश करके डाला है उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दे रही हूँ। चाट मसाला डाल देंगे थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून के आसपास, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये है कोरिएंडर, धनिया पत्ती। ये देखिए, ये हमारा आलू का मसाला तैयार हो गया है। अब इसे हम ठंडा करने रख देते हैं और चलिए अब हम ब्रेड की तैयारी कर लेते हैं, ब्रेड रोल बनाने की। उसके लिए देखिए, मैंने ब्रेड्स ले ली है, ये इस समय 4 ब्रेड ली है मैंने। और ये जो ब्रेड्स है इन्हें हमें कट करना है, ताकि जब हम ये मसाला इसमें भरेंगे तो बहुत अच्छे से ये स्टफ हो सके। तो उसके लिए इसके जो किनारे हैं इस तरह से कट कर लीजिए उन किनारों को। ये देखिए, हमें प्लेन ब्रेड लेनी है इस तरह से, सभी ब्रेड्स के किनारों को बिल्कुल कट कर लीजिए। और ये जो कट किए हुए किनारे, आप इससे ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। देखिए, हम आलू ले लेंगे थोड़ा और इस तरह से इसका एक ओवल शेप बना लेंगे, इस तरह से आलू के पूर्व। और ये ब्रेड लेकर, ये जो हमने कट की है ब्रेड,
उसे ले लेंगे। एक बाउल है मैं मैंने पानी ले लिया है, पानी ले लेंगे और इस तरह ब्रेड को थोड़ा सा डीप करेंगे पानी में और उसके बाद प्रेस करके सारा पानी निकाल देंगे इसका इस तरह से। और ये जो हमने आलू का ये छोटा सा देखिए ऐसा इस तरह से गोला बना लिया है इस सब्जी का, तो उसे बीच में स्टफ़ करके इस तरह से इसे ब्रेड से चारों तरफ कवर कर देंगे। फ्रेंड्स ब्रेड में पानी नहीं रहना चाहिए, पानी को अच्छी तरह निकाल देंगे। तो ये देखिए आप जो भी शेप बनाना चाहे वो ब्रेड रोल का बना सकते हैं, चाहे आप राउंड शेप दीजिए चाहे ओवल शेप दीजिए। इस तरह से देखिए ब्रेड को हमने पहले पानी में डाला, पानी निकाल दिया सारा। अब ये आलू ले लेंगे हम एक, इस तरह से इसके गोल गोल करके एक ओवल शेप दे देंगे और इसमें ब्रेड में स्टफ करके ब्रेड को चारों तरफ से कवर कर देंगे। इसी तरह से हमें सारे ब्रेड रोल्स को बना लेना है। और फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो इसे आप कुछ टाइम के लिए अगर बाद में भी खाना चाहे तो आप इसी तरह से बना के इसे एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिए फ्रिज में और बाद में तलिए। अब ये देखिए हम इसे तल लेते हैं। ये हमारा तेल बहुत बढ़िया से हमने गरम करने रख दिया था, तो इस तरह से इसमें देखिए गैस पर चढ़ाकर इसे तेज आँच पर मीडियम टू लो पर इसे फ्राई करना है हमें। हमने तेल पहले अच्छी तरह गरम कर लिया है, फिर अब गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है और अब इसे मीडियम फ्लेम में इसे इस तरह से तलने दीजिए। और ये फूड इसे आप बीच में मत हिलाइए क्योंकि ये फूट भी सकते हैं, तो थोड़ा देर इसे सेट होने दीजिए तेल में और उसके बाद इसे धीरे धीरे से पलट दीजिए इस तरह से, ताकि ये जो हमारे ब्रेड रोल्स है ये चारों तरफ से बहुत बढ़िया से सीक जाए। ये देखिए तो इसी तरह इसे अलटते पलटते हुए बढ़िया से अच्छी से तल लीजिए, बिल्कुल रेड हो जाते हैं ये देखिए इतने बढ़िया तैयार हो गया है ये, और ये अंदर से भी बहुत बढ़िया से सिक चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है, उसमें मैं ये सारे ब्रेड क्रम्स निकाल दूंगी ताकि जो इसमें तेल है एक्स्ट्रा तेल हो वो सब निकल जाए। ये देखिए इस तरह से ये देखिए ये चारों ब्रेड रोल्स बहुत बढ़िया से तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए एक प्लेट ले ली मैंने, ये बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं हमारे ब्रेड रोल्स। और फ्रेंड्स यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है ये इस रेसिपी को। और अभी हमें इसमें सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो आपके पास कोई और चटनी भी हो तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही बढ़िया बने हैं ये हमारे ब्रेड रोल्स। इस रेसिपी को फ्रेंड्स ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आशा करती हूँ कि यह आपको आपके परिवार को बहुत पसंद आएंगी। और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको ये टेस्टी सुपर ब्रेड रोल कैसे लगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता किचन। थैंक यू।